डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के फर्स्ट पार्ट में आज हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन माउथ। डाइजेशन इन माउथ शुरुआत इसकी होती है सबसे पहले दांतों के द्वारा भोजन को चबाने से, टंग के द्वारा इसको मिक्स करने से। इन सबके द्वारा फूड हमारा एक मुलायम, फ्लेक्सिबल, आराम से निगलने लायक एक संरचना में बदल जाता है, जिसको हम लोग बोलस कहते हैं। देखिए, सलाइवरी अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज, सलाइवरी अमाइलेज और लिंगुअल लाइपेज दो एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं माउथ में। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो सलाइवरी अमाइलेज होता है ये सिक्रीट किया जाता है सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा, जो कि क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है ये, राइट, स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। डाइटरी कार्बोहाइड्रेट हमारा होता है मोस्टली, वो मोनोसैकेराइड हो सकता है, डाइसैकेराइड हो सकता है या पॉलीसैकेराइड हो सकता है, राइट। लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसमें स्टार्च ही होता है। सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है? सलाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च मॉलिक्यूल है उसको स्मॉलर या छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना प्रारंभ कर देता है, जिससे फाइनली ये मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो और उनका एब्जॉर्प्शन हो जाए। बात करते हैं लिंगुअल लाइपेज की। लिंगुअल लाइपेज सलाइवा में होता है, लेकिन इसको सिक्रीट कौन करता है? इसको सिक्रीट करता है लिंगुअल ग्लैंड्स इन टंग। टंग में लिंगुअल ग्लैंड्स होती हैं, जो कि एक्टिवेट कब होता है? जब एसिडिक एनवायरनमेंट में पहुंचता है फूड। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज था, सलाइवरी अमाइलेज जैसे ही स्टमक के गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में पहुंचता है ये इनएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन लिंगुअल लाइपेज जैसे ही गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट में या एसिडिक एनवायरनमेंट में पहुंचता है ये एक्टिव हो जाता है। देखिए, दोनों में से एक एक्टिव, इनएक्टिव, बहुत अच्छी बात है ये। और करता क्या ये, क्या है ये? डाइटरी ट्राइग्लिसराइड को, जो ट्राइग्लिसराइड हम लोग ग्रहण करते हैं, उसको फैटी एसिड्स और डाइग्लिसराइड में तोड़ना प्रारंभ कर देता है।